हेलो यूट्यूब। तो आज हम बात करेंगे बेगाम्स की। तो जब भी बेगाम्स की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट होता है कि हम बाइसेप्स की बात करेंगे, पर नहीं, आज हम बात करेंगे ट्राइसेप्स की। आज हमारे साथ है इंद्रप्रीत सिंह जो कि फिटनेस एक्सपर्ट हैं। तो आज हम बताएंगे वो कुछ अपने ट्राइसेप एक्सरसाइज की शेड्यूल और कुछ टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं ये है ट्राइसेप पुश डाउन ऑन अ स्ट्रेट बार। तो सीधी रॉड लेनी है आपको और आप देख सकते हैं इनका बॉडी पोस्चर, देख सकते हैं आप किस तरीके से खड़े होके जो है पेट को सीधी रख के एक्सरसाइज लगानी है। हमने कभी भी जो है जिवें कहते हैं ना कोबर नहीं पाना पेट से। 10 रेपिटेशन ट्राइसेप पुश डाउन स्ट्रेट बार और उसके बाद साथ ही में विदाउट रेस्ट 10 रेपिटेशन रोप पुलिंग, बिना रेस्ट के बिना ब्रेक के आपने जो है उसके साथ ही जो है तीसरी एक्सरसाइज शुरू कर देनी है रिवर्स ट्राइसेप पुश डाउन स्ट्रेट बार। तो ये आपने 3 एक्सरसाइज एक सेट में 10 रेपिटेशन ईच लगानी है और उसके बाद आप ले सकते हैं 45 सेकंड का रेस्ट। ऐसे 3 सेट लगाने हैं आपने 3 एक्सरसाइज के 10-10 रेपिटेशन के, 45 सेकंड्स का गैप, ज़्यादा गैप नहीं लेना, ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना। और उसके बाद ईजी बार पे, इसको ईजी बार भी बोलते हैं, हम लगाएंगे इसके ऊपर स्कल क्रश। तो आप जो वेट है अपने हिसाब से, जितना आप वेट 10 रेपिटेशन में आसानी से उठा सके उतना वेट आप ईजी बार पे डाल के जो है 10 रेपिटेशन 10-12 रेपिटेशन 3 सेट ईजी बार, बाजू को सीधा रखना है। आप देख सकते हैं आपकी एल्बो को एक जगह पे ही टिके होना चाहिए। 10 रेपिटेशन ईजी बार पे स्कल क्रश 3 सेट्स, 45 सेकंड का रेस्ट। उसके बाद हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है सिंगल आर्म पुली, बॉडी पोस्चर देख सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से, टेन रेपिटेशन एक साइड की बाजू पे, 10 रेपिटेशन दूसरी साइड की बाजू पे, तो टोटल 20 रेपिटेशन हो जाएंगे आपके दोनों साइड के ऊपर। और 45 सेकंड्स का गैप, 45 सेकंड्स का जो रेस्ट होना चाहिए। और उसके बाद फोर्थ एक्सरसाइज अपनी क्या है, लास्ट एक्सरसाइज अपनी रियर डिप्स। इसके आप जितने मैक्सिमम हो सके उतने रेपिटेशन लगा सकते हैं। ओके सो ये तो था मेरे भाई इंद्रप्रीत सिंह का शेड्यूल ट्राइसेप का। तो अगर आप भी क्लियर ट्राइसेप, क्लियर कट ट्राइसेप चाहते हैं तो इस शेड्यूल को फॉलो कीजिए, कम से कम एक बार तो करके देखिए, दो तीन महीने लगा के देखिए तो आपको ज़रूर जो है फ़र्क दिखेगा। आप देख सकते हैं मेरे भाई की बॉडी भी अच्छी बनी हुई है। तो बिग आर्म्स का एक छोटा सा राज, छोटा सा सीक्रेट ये भी है कि हमारी ट्राइसेप भी बिग होना चाहिए, सिर्फ डोले बनाने से बात नहीं बनती, ट्राइसेप को भी हमें जो है पूरा ध्यान देना पड़ता है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो देन कमेंट इट डाउन। ठीक है।